मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड में लड़कियों ने एक नेताजी की चर्चा की थी। इस नेताजी के नाम पर कई तरह के कयास लग रहे थे। अब गिरफ्तार सीपीओ रवि रोशन की पत्नी ने उन हाई प्रोफाइल नेताजी का नाम लिया है और आरोप लगा है समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा पर, जिसमें मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा का जिक्र है। इस ऑडियो में ये भी जिक्र है कि बालिका गृह में चंदेश्वर वर्मा की कितनी धमक थी। बातचीत सामाजिक कोषांग के सहायक निदेशक दिवेश कुमार शर्मा और बाल सुरक्षा अधिकारी मारुति नंदन मिश्रा के बीच है। बराबर जाते हैं, जाँच की गई थी तो हम लोग सरोजी रानी जी, हम थे रवि जी थे, नीचे बैठा के ऊपर ही जाँच करने गए। ठीक है, लिखे पति। इधर मंजू वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। विपक्ष पर आरोप लगाते हुए मंजू वर्मा ने कहा कि जब तेजस्वी मुजफ्फरपुर गए तब इस तरह के बयान आ रहे हैं। वहीं विपक्ष सीबीआई जांच की मांग पर अड़ा है। एक महीना से वो सीपीओ की पत्नी या ब्रजेश ठाकुर की पत्नी कहां सोई हुई थी? क्या वहां लोग सर्वेक्षण में या निरीक्षण में नहीं गए थे? उस समय उनके मुंह पर टेप साटा हुआ था क्या? क्यों ने उस समय वो बताई? डीजीपी साहब गए थे, जिला पदाधिकारी गए थे, उस समय वो क्यों नहीं बताई? लेकिन आज जब नेता प्रतिपक्ष वहाँ गए और उन्होंने अपना राजनीति रोटी सेकने के लिए और दूसरे के छवि को धूमिल करने के लिए, सरकार के छवि को धूमिल करने के लिए उस उन लोग को उकसाया गया। वहीं विपक्ष का हमलावर रुख जारी है। आरजेडी का कहना है कि इस मामले में सिर्फ मंत्री के पति ही नहीं, कई और सफेदपोश भी शामिल हैं। आरजेडी के साथ एलजेडी ने भी मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। नए खुलासे पर सियासत जारी है।